भारत नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल शालिंडे की अध्यक्षता में इंद्री की ब्राह्मण धर्मशाला में शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई, जिसमें सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय किसान संघ के दिल्ली व हरियाणा संगठन के महामंत्री सुरेश कुमार ने शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित संत समाज के संतों द्वारा सभी वर्गों के कन्या भ्रूण हत्या ना करने व गौ माता की रक्षा करने की शपथ दिलाई गई। मुख्य वक्ता सुरेंद्र कुमार ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की जीवनी में वृतांत सुनाकर उपस्थित लोगों को शहीद की जीवनी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आज किसी के घर में जवाहरलाल नेहरू का चित्र नहीं मिलता है, बल्कि प्रत्येक घर में शहीदों के चित्र अवश्य लगे हुए मिलेंगे। इससे यह जाहिर होता है कि आज भी शहीदों के प्रति हमारे मन में कितने श्रद्धा भाव हैं। शहीद तो लोगों के दिलों में राज करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी शहीदों की जीवनी से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए रास्तों पर चलना चाहिए, युवाओं को शहीद की जीवनी के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहीदों को किसी दर्जे की जरूरत नहीं है, वो तो लोगों के दिलों में राज करते हैं। बीजेपी की सरकार ने गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा है। बदलाव हो रहा है, समय थोड़ा तो लगेगा ही। सुरेंद्र कुमार ने कहा कि हमें किसी देवता की उपासना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप केवल शहीद चंद्रशेखर आजाद को याद कर ले, वहीं से आपको प्रेरणा मिल जाएगी। यही भारत का गौरव है कि उन जैसा गरीबों के प्रति उदात भाव, उदार चरित्र रहना चाहिए। नारी शक्ति का बहुत तीव्र सम्मान करते थे और अपने परिवार की दरिद्रता को से बड़ी राष्ट्र की स्वतंत्रता मानते थे। ऐसा उदास चरित्र प्रत्येक देशवासी को रखना चाहिए, चंद्रशेखर से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो किसी दर्जे से बड़े हैं, शहीद तो यहाँ के देशवासियों के रोम रोम में बसे हैं। आज कोई नेहरू की जान नहीं बोलता, आज घर घर में कोई नेहरू का पोस्टर नहीं है, कोई लॉर्ड माउंटबेटन का पोस्टर नहीं है, डालमिया टाटा का फोटो नहीं है। घर में अगर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, ठाकुर रोशन, उधम सिंह का चित्र ही घर घर में मिलेगा। इसलिए वो तो घर घर के पौधे हो गए हैं, घर घर का वो बीज है, वो सनातन प्रेरणा है जो इस नवरत्नों से, इस पुरस्कार से बहुत बड़ा है। जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बना के रखा 2 साल, उन लोगों से आप ये उम्मीद कर सकते हो। बीजेपी सरकार ने बहुत सारे, जैसे हरियाणा में ही उदाहरण दिए, गुड़गांव था, इसको गुरुग्राम किया द्रोणाचार्य। इन्हें संस्कृति का प्रेम जगा है, सुधार हो रहा है, एकदम छत नहीं आएगी, धीरे धीरे अर्दे आएंगे, बदलाव हो रहा है। मैं कहता हूं उनको प्रतिदिन किसी देवता की उपासना करने की जरूरत नहीं, वो केवल चंद्रशेखर आजाद का नाम ले लेंगे तो उनके अंदर स्वतः वो प्रेरणा आ जाएगी कि अपने देश के प्रति बलशाली स्वस्थ शरीर बनाना चाहिए। त्याग, नारी का सम्मान, ये आज की चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। चंद्रशेखर जैसा जीवन होगा तो पुलिस बल की भी आवश्यकता नहीं। हर वर्ष की भांति चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर, जन्म दिवस पर ये उत्सव का माहौल है और ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष इंद्री हलके के अंदर सभी जाति पाति, धर्म, सामाजिक, राजनीतिक पार्टियों से उठकर सभी लोग शहीदों को पुष्पांजलि देते हैं। उसी कड़ी में आज ये चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस ब्राह्मण धर्मशाला के प्रांगण में मनाया जा रहा है। संकल्प आज कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य संकल्प लेंगे, संत समाज के प्रेरणा से कन्या भ्रूण हत्या और गौ हत्या, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। और आज देश के जवानों को, आज देश के देशभक्तों को गोरे अंग्रेजों से चिंता नहीं है, काले अंग्रेजों से चिंता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अच्छे लोग बनकर इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है ताकि भारत दोबारा से विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करे। उसी कड़ी में शहीदों से प्रेरणा लेते हुए जन्म दिवस मना रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। युवाओं को, एक चंद्रशेखर आजाद एक युवा थे जो 25 वर्ष के थे, जिन्होंने ये काम किया, युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उसी तरह आगे बढ़े, उसी तरह आगे बढ़कर इस देश की रक्षा के लिए संकल्प करें जिस तरह उन्होंने भारत माँ को आजाद कराया था। आज युवाओं को भी नशे से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, कन्या भ्रूण हत्या से मुक्त और गौ हत्या से मुक्त इस भारत देश का निर्माण करना है, ये प्रेरणा लेकर हम आगे। आज इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला के प्रांगण में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए सभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और अपने शहीद को और दूसरे जो भारत माँ को आज़ादी के लिए जो शहीद हुए उन सभी को याद करते हुए नमन करते हैं कि आज
यहाँ पर एक ऐसे शख्सियत का जन्मदिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। यह संकल्प भी यही लिया, यही लेना भी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे को आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को कायम रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हम सभी भारतवासियों को हर समय हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।